हेलो एमजे सागर फैमिली। सो गाइस, आज का दिन वो आ चुका है जब जोरावर और हम पहली ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी नहीं, जय के बिना मैं नहीं बता सकता हूँ। तो जय हेलो गाइस, नाउ द फ्रेम इज कंप्लीट। तो गाइस, फाइनली टाइम वो आ चुका है जब हम स्पीति वैली समर स्पीति करने जा रहे हैं। भाई, समर स्पीति का टाइम आ चुका है। आई नो इट्स मॉनसून सीजन, बट यार जो टाइम मिला हमें वो अभी ही मिला है, तो विंटर स्पीति से पहले एक ब्रेक इन हो जाएगा। और जे, मैं और जोरावर, वी ऑल आर एक्साइटेड। बहुत दिनों से तलब मची थी कि यार स्पीति करना है या फिर जांचकार करना है। एंड लेट्स सी ट्रिप कैसी होती है, क्या सोचते हो, बढ़िया होगी कि नहीं होगी? एक नंबर होगी चुम्बेश्वरी। तो गाइस, अभी क्या है, लेट हो रहे हैं हम, लेट्स गेट ऑन टू द कार, जल्दी चलते हैं। जोरावर वेट कर रही है, हाईवे वेट कर रहा है, और भगवान जी, भगवान जी, हाँ जी, तो बाबा जी, भोले बाबा, महादेव, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जल्दी से बाबा जी के साथ उनके आशीर्वाद से एक सेल्फी लेते हैं उसके साथ, और फिर चलते हैं अपने खतरनाक टूर पे। बाबा जी ये रहे, आशीर्वाद लेते हैं इनका दो मिनट के लिए। जय, जल्दी आशीर्वाद ले लो, इनके नीचे भी एमजे हैं। तो हे बाबा जी, आशीर्वाद बना के रखना बच्चों पे, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो सक्सेसफुल होगी ये जर्नी। तो इनके आशीर्वाद से स्पीति का सर्किट जय कैसा होगा? बहुत ही बढ़िया, तूफान। चलो, जोरावर वेट कर रहा है गाइस, बहुत लेट हो गया है, जल्दी चलते हैं, और उसके साथ साथ देखते हैं क्या होने वाला है। मॉनसून वेट कर रहा है, बारिश होगी, आई नो, लेट्स सी विद प्रिकॉशन। चलो 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 भाई, जल्दी निकलते हैं, जोरावर नीचे है, वेट कर रही है। ले जल्दी खोलो दरवाजा, लाइट तो बंद कर दो, लाइट बंद कर दो भाई, बिल आएगा बहुत ज्यादा। पार्किंग में तो जगह ही नहीं है यार बिल्कुल, और ये पानी पता नहीं कहाँ से टपक रहा है, टप टप टप। तू भी आ गया, फिर आ गया तू, ये बहुत ही नॉटी डॉगी है ये, बहुत ज्यादा। देखो अब कहाँ छुप गया। जोरावर फुली पैक्ड है, पूरी चमक रही है, अब इसके बाद तो गंदी हो जाएगी। एक बार इसका लुक देख लो, ऐसा कुछ लुक है हमारी। तो ये देखो जोरावर का हाल, इसको भाई बड़ी मुश्किल से हमने बारिश से बचा के धुलवा के चमका के पूरी शाइन कर रही है। द गोस्ट, गोस्ट की तरह लग रही है बिल्कुल। तो भाई जी, तो बेबी की तरह है, आप देखो कैसा परफॉर्म करती है। और ये देखो गाइस, एक जो अच्छी चीज़ लगती है ना जे और मेरे को, वो ये लगती है कि हम जो हैं आराम से सारा सामान जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, वो अच्छा लगता है। आगे जाके कैसा हुआ, आप भी देखो यार, इतना सारा सामान कैसे प्यार से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। देखो हेड भी लेके जा रही है, और मेरे टिम्बरलैंड के बूट्स, माय फेवरेट। तो ये बैग को भी हमें रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ सामान है गाइस, जल्दी से मैं लोड करता हूँ क्योंकि लेट हो रहे हैं, और आपसे जल्दी मिलते हैं हाईवे पे। बड़ी पूरी पैक्ड है, ये देखो पूरी तरीके से लोडेड, जे फुल एक्साइटेड, पूरी गाड़ी लोडेड है गाइस, बहुत ऑर्गेनाइज करके रखा है। अभी देखो, देखते हैं ट्रिप में कैसा उदल फुदल मचने वाली है। तो गाइस लेट हो रहे हैं, जल्दी से बाबा जी के नाम लेके निकलते हैं, बहुत देर हो रहे हैं, और लड़की तो फुल एक्साइटेड है अभी से ही। अभी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, मैं कह रही हूँ मनी भगाओ बस गाड़ी। तो गाइस देखो मेरी हार्ट बताना कैसी लग रही है। तो ये तो करती रहेगी अपना इसकी मस्ती चालू एक हफ्ते के लिए। तो गाइस जल्दी चलते हैं, मंजिल बहुत दूर है, और मंजिल पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, और वो मनी कभी नहीं चाहेगा। निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं केएमपी एक्सप्रेसवे से, क्योंकि दिल्ली वाला जो हाईवे है ट्रैफिक हो गया है उसमें से, इसलिए हमने सोचा गुड़गांव के पास है केएमपी, और आजकल वहीं से आ रहे हैं। तो जे भी वही कह रही थी। अब गाइस निकलने से पहले ना कुछ खाने पीने का सामान था, तो जे कह रही है क्या करना चाहिए उसका, वो ना गार्ड भैया को दे देंगे, क्योंकि हम तो घर पे होंगे नहीं तो वो खराब ही होगा, इससे अच्छा कोई खा ही लेगा। थैंक यू भैया। तो हम जा रहे हैं गाइस, प्लान ऑफ एक्शन ये है कि केएमपी एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं हम, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, तो उधर से जाएंगे मूर्थल के पास जुड़ जाएंगे, और वहां से रपा रप हाईवे पे। तो मैं जल्दी खींचता हूँ गाड़ी और मिलता हूँ, क्योंकि आगे कीचड़ है। आने वाला कल जाने वाला है, एक यही है कि while you are on the roads try not to do rash driving, so do not get pepped up, let them go, jaane do yaar, kyunki apni manzil jo hai tumhe pata hai kahan pe hai, aur maine kafi travel kara hai bike se bhi aur gaadi se bhi, but what I have learned is that it's good
अपनी डेस्टिनेशन तो दिमाग में रखो, अपना रास्ता अपने दिमाग में रखो, एंड इट इज बेटर टू रिमेम्बर योर मॉम एंड डैड, दे आर वेटिंग फॉर यू. सो उनको देखते हुए गाइस अपना आराम से चलाओ. जब खुली रोड मिले, दिन में हाईवे मिले, तो अपना क्रूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. जल्दी से चलते हैं और एक रेडबुल पी लेते हैं भाई, ताकि नींद ना आए, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ ऑफिस के बाद. तो लेट्स हैव अ रेडबुल भाई. आई डोंट ड्रिंक बियर, तो आई जस्ट हैव रेडबुल. सो मैं रेडबुल से काम चलाता हूँ गाइस, क्योंकि तो यार फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है. जल्दी से इसको भरवा लेते हैं फुल, जल्दी से यार करवा लेते हैं. और भैया डीजल चल रहा है अपना 89 चल रहा है भाई, देख लो इतना बड़ा बड़ा ये चल रहा है गाइस. तेल भरवा लिया, ट्रिप जीरो करता हूँ. अरे हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई. तो गाइस इसकी जल्दी से हम ट्रिप जीरो कर देते हैं. ट्रिप आ गई, ठीक है अब इसको जीरो करते हैं. ठीक है गाइस, जीरो हुई ट्रिप, अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. फुल टैंक हो चुका है, अब कितना पहुंचता है हिसाब. चलो भाई रास्ते बुला रहे हैं, तिरंगा आ चुका है. ये अपना कैंप भी टॉल है, वो छोड़ दो भैया, अपने मजे ले रहे हैं फुल ऑन सो के. तो फाइनली कैंप पे जुड़ गया हूँ. तो गाइस गुड़गांव से KMP का जो फारूक नगर वाला रास्ता है ना, ऑनेस्टली बताऊं तो बारिश में अभी बहुत खड्डे थे. अब मुझे नहीं पता रोहिणी साइड से जाते हुए, जो मेन अपना पुराना दिल्ली बाईपास है रोहिणी से आते हुए, तो वो अच्छा है कि ये, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं पसंद आया. एज इन अब तो अच्छा है जब हम कनेक्ट हो गए हैं, बट फारूक नगर गुड़गांव से फारूक नगर निकलते हुए, तो अगर आपको कोई रूट पता है जो गोल्फ कोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करे KMP को विदाउट फारूक नगर, और एक खड्डे पड्डों से बच जाएं, तो यार कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिख के बताना, ताकि मैं अगली ट्रिप में जो है उसको अप्लाई करूं एंड आई कैन सेव सम टाइम. तो ये कुछ नज़ारा है, क्या धांसू लग रही है रोड. मैप अपना चालू है, रबार अब निकालते हैं यार. तो गाइस फाइनली पहला स्टॉप आ चुका है, अंकल जी बुला रहे हैं. अपना झिलमिल ढाबा आ गया, मस्त बहुत चाय पीते हैं, थोड़ी सी कॉफी पीऊंगा यार, क्योंकि नींद से आ रही है. तो बारिश में तो यार मजा ही अलग होता है, मतलब इतनी ग्रीन एनवायरनमेंट को देखना, इट्स अ ट्रीट. मैंने आपको याद है हमने इसके आगे भी पिक्चर्स क्लिक कराई हुई हैं, ऐसी जगह ही थी ना वो, ये सेम वही जगह वही है ना. अभी वो आएगा ब्रिज पे हमने अपनी इको स्पॉट खड़ी करी थी. हाँ. तो वो छोटा टिब्बा पहाड़, वाह ले चले इसको उठा लो. हर हर महादेव, हनुमान बनना पड़ेगा इसको. वेदर देखो भाई साहब, और ये जो पत्थर गिरे हुए हैं ये देखो भाई, प्रॉपर लैंडस्लाइड कह लो इसको, स्टोन शूटिंग कितना ज्यादा. तो भैया प्रिकॉशन के साथ भाई, खुद का भी ध्यान रखो, आपके जो आसपास है उनका भी. और देखो डाइवर्जन की वजह से गाइस एक ही साइड से गाड़ियां आती नहीं है, तो इट इज बेटर आराम से होले होले चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो गाइस यहाँ का नजारा मतलब चुम्मा, अगर आप देखोगे पीछे यार, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार, एकदम ये भाई गुलाम ले जा सकते हैं क्या भाई, मतलब मजा आ गया यार, मतलब जो थकावट थी ना मेरी सारी खत्म हो चुकी है. आई एम फुल रीजनरेटेड, आवाज मुझे नहीं पता कैसे आ रही होगी, बट वी गाइस आर एंजॉयिंग लाइक हेल. तो ये नज़ारों के साथ हम चाय पीते हैं, एंड आई एम श्योर गाइस मानसून थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होती है, बट कमिंग हेयर इट इज वर्थ. अगर आप सेफली आओगे, नेकेड आई से जो मजा है वो कैमरे में नहीं है, नेकेड आई की बात अलग होती है भाई साहब. ये जो नजारा है ना, मन कर रहा है इसको हमेशा मैं कैप्चर कर लूं, इतना अमेजिंग लग रहा है ना यार. यार कोई हमें छुट्टियां दे दे,
यहीं पे घर बसा लेंगे, हम तो यहीं पे घर बसा लेंगे गाइस। और इट इज द बेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी, टू कम विद योर पार्टनर और सोलो पे, अगर आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, ड्राइव सेफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव सेफ। उसके अलावा ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक कि मेरे को स्नो में इतना मजा आने वाला है, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बट ये जो नजारा है ना, फुल लश ग्रीन विद रिमझिम बारिश, उफ, झमाझम बारिश। तो जल्दी से मजा लेते हैं और होटल ग्रैब करते हैं यार, वहां पे जाके बहुत सारी बातें करेंगे, और तब तक आप सिनेमेटिक शॉट का मजा लो। बात ऐसी है कि बारिश बहुत हो गई है, तो मैं फ़ोन अपने पास रख लेता हूँ। ये कोई लोकेशन मिली है जे और मुझे, ये एक मिनी वैन है सिद्धू किंग। सो सिद्धू किंग के ये ओनर हैं, सो दे हैव गॉट सम मोर एप्पल्स। तो ये नारकंडा के स्पेशल एप्पल्स हैं, तो ये लाए पेटी। तो ये नारकंडा एप्पल्स हैं, और साइज देखो इनका छोटा होता है, बड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है भैया कह रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब करा जा रहा है, तो ऐसा कुछ है स्पॉट यहाँ पे दिल्ली शिमला और सोलन का परवानू का। गाइस इसकी छत पे आ गया हूँ मैं, देखो कितनी बड़ी खाई है। ये ऐसी इनकी सिटिंग है ऊपर, तो दीज गाइस हैव वैन, ऊपर इनकी सिटिंग है, छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं। वो रही जोरावर अपनी बारिश के मज़े ले रही है जोरावर, और ये लड़की बारिश के मज़े ले रही है। ऐसा कुछ नज़ारा है, तूफानी बारिश सेक्सी वैन, ये वैन मिल गई यार, मज़ा आ गया। कुछ खाने को मिल जाएगा, थोड़ी क्रिस्पी फ्राइज और कुछ बर्गर और मोमोज, मतलब तो बारिश। तो नारकंडा वाली रूट पे जा रहे हो, उसके बाद ये वैन तुम्हें दिखेगी सिद्धू किंग, इसको ज़रूर स्पॉट करना एंड हैव समथिंग। लेट मी सी कि कैसा बनाते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं यार, क्योंकि बारिश है, थोड़ी ठंड लग रही है, बहुत दूर जाना है, जे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो नो कॉम्प्रोमाइज विद हेल्थ, तो लव यू, सी यू इन द कार। ये देखो यहाँ पे जो है नारकंडा ऑलमोस्ट आ गया है, एप्पल को इस तरीके से कवर करा जाता है और पूरा ये शेड कर देते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि अभी देखो जैसे पता आपको कितनी रेन हो रही है, कि तो एप्पल जितने भी ये ग्रो हुए हैं ये खराब ना हो, तो इसीलिए वो पहले इसको ना कवर करके रख देते हैं एक नेट से, ताकि वो पानी इसके ऊपर पड़ पड़ के पूरे खराब ना हो जाए। भाई मनी, ये कुछ तो खुफिया जगह लग रही है। नहीं, डॉपी हाउस है कहाँ? आई थिंक वो तो नहीं है। भाई सब जान निकल के मेरी, पता नहीं हम कितनी ऊपर चले गए थे, और बहुत ही खतरनाक रोड था, पता नहीं मनी ने कैसे किया। ओ गॉड, वाहेगुरु, पता है मैं तो वाहेगुरु कर रही थी, बाबा जी प्लीज बचा लो। शिट, बहुत ही खतरनाक था सच में यार। ओ माय गॉड, मैं नहीं आऊंगी इस जगह। डाफी करके है जगह। हाँ जगह डाफी है, लेकिन मैप ने हमें कुछ और ही दिखा दिया, और इतनी ऊपर ले गया वो, इतना स्टीप। ओ गॉड, लिटरली मैं अभी ऊपर पहुंच जाती सच में। अरे स्पीति से पहले प्रैक्टिस है। थैंकफुली वहाँ पे एक गार्ड मिल गए हमें, जो कि ताज का इमरजेंसी डोर था वहाँ पे, इमरजेंसी गेट का, तो वहाँ पे हमने हॉर्न बजाया, तो वो गार्ड मिल गए, उन्होंने हम बैक करवाई गाड़ी। भाई साहब इतनी भी जगह नहीं थी कि गाड़ी अगर इधर हल्की सी भी हो जाती ना, तो पता ही नहीं क्या होता, सच बता रही हूँ। प्राउड ऑफ यू माय मैन। यार स्मिति की तैयारी हो रही है, वो बैक डोर पे चले गए थे हम ताज थी ओके, तो वहाँ पे बहुत नैरो रोड थी, वो बैक जो उसका डोर है, तो वहाँ पे बैक करने की जगह नहीं थी, उसके गेट में हल्का सा था। बट हमने थार को भी मारुति की तरह टर्निंग, इसके जो टर्निंग रेडियस है उसका पूरा यूज करा जितना कर सकते थे, और आराम से मोड़ दिया बिना कहीं से टच करे। इतना स्टीप, बिल्कुल खड़ा, बिल्कुल पेंसिल खड़ी कर दो उस पे, कहीं गाड़ी ना स्लिप हुआ इसका टायर, और इतनी
टारमेक भी पूरी नहीं थी, उधड़ी हुई थी रोडो, मतलब इट वॉज अ वेरी स्केरी आई मस्ट से अब्रप्ट रोड. हमारा था कैंपिंग का सीन, हम किसी कैंप रिजॉर्ट में रुकेंगे, बारिश की वजह से कैंपिंग हो नहीं पाया और होटल्स में मन नहीं कर रहा, इतना रिजॉर्ट्स में रुक चुके हैं. तो डाफी देखा था, डाफी थोड़ा सा विंटेज लग रहा था. मैंने कहा आगे तो सारा स्पिति का जो है होम स्टे और ये सब ही करना है, तो इस अभी थक भी गए हैं तो आराम से चिल करते हैं. बट गॉड वॉन्ट्स अस टू गो नियर बाय नारकंडा, तो नारकंडा तक लगता है पहुंचा के रहेगा. 25 मिनट बचे अब. जरावर का ऑफ रोड चालू हो गया है सतलुज रिवर में. भैया यही गाड़ियां चलनी है यहाँ के लिए. तो क्या भैया क्या कर रहे हैं? साला रामपुर रामपुर बोल के बहन चुद स्पिति का बाप. रामपुर रामपुर कह के साला छोटी स्पिति में फंसा दिया. So finally guys, we have reached our destination for today. So गुड़गांव से निकले थे, so finally हमने almost 600 किलोमीटर का सफर तय कर लिया. और अर्लियर जो हमारी डेस्टिनेशन थी guys वो थी नारकंडा. और नारकंडा यार इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे होटल्स हमने सोचा था मिल जाएंगे, बट फिर हमने डिसाइड करा क्योंकि हम पे टाइम काफ़ी था, तो हमने डिसाइड करा कि यार चलो रामपुर चलते हैं. रोड्स अच्छी थी, टारमैक रोड्स थी और लोकल्स ने भी गाइड करा कि आप रामपुर स्टे कर लो क्योंकि सतलुज नदी भी है यहाँ पे. तो ये सीन था. रामपुर पहुँच गया, यस 550 के करीब डिस्टेंस कवर करा. जोरावर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है क्योंकि टारमैक रोड्स थी, अमेजिंग रोड्स. इट वाज वेरी स्मूथ. रोड्स के अलावा यार कितना स्लश में परफॉर्म किया है उसने, मड में स्लोप्स आई है, इतनी स्टीप एरिया इतने आए हैं, बट जोरावर की क्या बात है. आई मीन मजे आ गए, दिल खुश हो गया. मतलब जोरावर ने अपनी बेबी ने जो परफॉर्मेंस दी और जो आगे आने वाला सीन है उसके लिए वो आई थिंक ब्रेक इन हो चुका है उसका. तो सीन ऐसा यार थक गए बहुत ज्यादा और डिस्टेंस काफ़ी था, थोड़ा सा टायरिंग है, तो नींद लेंगे अच्छे से और अगले दिन की जर्नी स्टार्ट करेंगे. तो ये रामपुर तक का सफ़र था, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए था नहीं गाइस. तो यहाँ का डेस्टिनेशन यही है कि रामपुर हम स्टे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल सा एकोमोडेशन मिल गया ऐसा कुछ. और आई वुड रिकमेंड कि नारकंडा मत लेना हॉल्ट क्योंकि नारकंडा में होटल्स नहीं है. वी ऑल्सो ट्राइड 3-4 होटल्स बट नहीं मिले होटल्स. अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना. एंड इफ़ यू आर कमिंग विद योर पार्टनर कोशिश करना यार रामपुर में रुक जाओ या फिर शिमला मशोबरा या फिर फागू, ये जो डेस्टिनेशन आती है यहाँ पे स्टे कर लो, उसके बाद लंबा स्ट्रेच मार लेना. बट हम थोड़े से ज़्यादा क्रेजी हैं तो समर स्पिति की वजह से, तो हमने सोचा चलो यार रामपुर रुकते हैं. तो अब थक गए हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं पीते हैं, एडिट भी करनी है और ब्लॉग्स भी डालने हैं आपके. तो गाइज कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल एनजे सागा. नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और जो धांसू लोग आने वाले हैं उसको प्रमोट करो, देखो एंड कीप लविंग एंड सपोर्ट. और सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए गो चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज जो कि है m_j_saga, जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया पोस्ट स्टोरीज एंड रील्स मिलेंगी. सो थैंकफुल टू यू गाइज टू सपोर्टिंग आवर चैनल एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग. वी ऑल लव यू एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ. बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग. टाटा.